31 जुलाई को देश भर में अनलॉक 2 खत्म हो रहा है, जिसको लेकर सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सब के बीच CTI यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। CTI चाहता है कि अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल और जिम के साथ दिल्ली मेट्रो का भी संचालन किया जाए। इसके लिए CTI ने PM मोदी को पत्र लिखा है। CTI के मुताबिक मई के महीने में फैक्ट्रियों और बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई थी, फिर इसके बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में मॉल, सैलून, पार्लर, रेस्तरां आदि को खोलने की अनुमति मिली, लेकिन जिम, सिनेमा हॉल और मेट्रो अभी भी बंद है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। CTI ने PM मोदी को लिखे खत में कहा है कि दिल्ली मेट्रो कई सालों से दिल्ली के लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है, जबकि मेट्रो बंद होने से सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है और बाजारों में पार्किंग की समस्या सामने आ रही है। सख्त सुरक्षा नियमों के साथ 1 अगस्त से मेट्रो का संचालन शुरू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 2.0 के लिए जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली मेट्रो का संचालन की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन से ही बंद है। इसके बाद 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। दिल्ली मेट्रो बंद होने के कारण DMRC को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।